अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू खदीजा स्ट्रिप। आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरी और मसूर की दाल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में और झटपट तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने प्याज लिया है, उसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो रेड हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इसको हम लोग ब्राउन करेंगे। बिल्कुल ईजी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली है और बहुत मज़े की लगती है, ढाबा स्टाइल की है और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करना है। हमारे प्याज तकरीबन रेड हो चुके हैं, अब बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे। हमारे पास है टमाटर, उसके ऊपर मैंने ब्लैक सीड डाल दिया हुआ है और चंद दाने काली मिर्च के हैं, रेड चिली है, हल्दी है, लहसुन अदरक है, ठीक है। ये हम सब इसमें डाल के भुनाई करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से बनती है और बहुत मज़े की बनती है। मिर्चें आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं क्योंकि ये थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है। इसके साथ साथ ही हम यहाँ ऐड करेंगे नमक, ये मैंने नमक लिया है, साथ में जाएगा जीरा, आपने ये सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालनी है, अपनी क्वांटिटी को देख के डालनी है, और यहाँ पे जाएगी काली मिर्च। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, जब तक ये भुना जाता है तो 5 मिनट के बाद मैं आपसे आके मिलती हूँ। मैंने यहाँ 1 किलो तोरियाँ ली हैं, उनको डिप कर काट के पानी में डिप करके रख दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती हैं, इसलिए हमें इसे पानी में डिप करेंगे। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और साथ में मैंने यहाँ पर मसूर की दाल ली है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये मसूर की दाल है, और इसको मैंने 300 ग्राम लिए, वैसे तो 250 ग्राम डालते हैं, मैंने 300 ग्राम लिए, तो इसको मैंने डिप कर दिया है और ये भी मैं उसमें शामिल करूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें हमारा लहसुन अदरक अच्छे से हो गया, टमाटर भी हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ हम दाल शामिल कर देंगे ताकि टमाटरों की भुनाई के साथ साथ दाल भी भुनी जाए। दाल को मैंने पानी निकाल लिया है इसका और अच्छे से धो दी थी, और मैं अब दाल इसमें शामिल करूंगी। दो से तीन मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से रच बस जाए। इस दौरान मेरे पास यहाँ टमाटरों की प्यूरी है तो मैं उसमें वो ऐड करूँगी। टमाटरों की प्यूरी डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकती हैं, अगर नहीं है तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ डालूँगी धनिया पाउडर, अब इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा लुक आया है इस पे, कलर बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत प्यारा कलर लग रहा है। मसूर की दाल जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत जल्दी जो है ये पक जाती है, इसके लिए इतना टाइम नहीं लगता। अब इस वक्त मैं इसमें शामिल करूंगी अपनी तोरियां, तोरियों को मैंने ये देखें निकाल लिया है पानी से, बिल्कुल साफ कर लिया और खुश्क है, इनमें पानी ऐड नहीं करूंगी मैं। तोरियों का अपना बहुत सा पानी निकलता है जैसा कि आप सब जानते हैं, और ये अपने ही पानी में पक के तैयार हो जाएंगी।
तोरियों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी सी धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि तोरियों का पानी निकल सके, और जब इनका पानी निकलेगा तो हम अपनी आंच जो है वो तेज़ कर लेंगे। अभी लो फ्लेम पे रखेंगे, ठीक है। ये देखें, तोरियों ने अपना पानी निकाल लिया हुआ है। बहुत खूबसूरत सा लुक आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पानी में ये आपकी दाल भी गल जाएगी। इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह करके दबाते रहेंगे ताकि तोरियां जो हैं वो काफ़ी हद तक नरम हो जाए और वो दाल में मिक्सअप हो जाए। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त डालना चाहूँगी, इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरे पास है नेशनल वालों का कढ़ाई गोश्त, ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वैसे चटपटा कम ही खाते हैं, लेकिन आज कुछ दिल कर रहा था इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है ओरिगैनो, ओरिगैनो भी मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी। ओरिगैनो का ये फ़ायदा होता है कि ये चीज़ों को हज़म करने में मदद देता है, हमारा निज़ाम हज़म इसमें बहुत अच्छा हो जाता है और ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसे चम्मच से निकाल के डालती हूँ। मैंने इसमें ओरिगैनो शामिल कर लिया है, कैमरा बंद था जब मैं शामिल कर रही थी इसलिए आपको दिखा नहीं सकी। मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो डाला है, इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत मज़े की खुशबू होती है और ये हमारा खाने को हज़म करने में भी मदद देता है। अब इसको थोड़ा सा मैं अपनी फ्लेम को तेज़ करूँगी और इसको पका लूँगी जब तक इसका घी नहीं ऊपर आ जाता। फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी और फिर उसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, बस अब मैं इंतज़ार करूँगी, इसकी भुनाई करूँगी कि ऑयल बाहर आ जाए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये हमारा फाइनल लुक होने ही वाला है। इसे 2 से 3 मिनट भूनूंगी, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर दूँगी। ऑयल ऊपर आता है तो हम इस पे धनिया और हरी मिर्च लगा के तो डिश आउट कर देते हैं। ये हमारी तोरी और मसूर की दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की है जैसा कि आप देख रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।